Hello everyone and welcome back. So today we are going to do class 9th chapter 1 India size and location. So it is your SST chapter and geography chapter. So let's start. Let me first give you an overview. सबसे पहले मैं आपको इस chapter का एक overview दे दूँ. The Indian subcontinent includes 5 countries. These countries are Nepal, Pakistan, India, Bhutan and Bangladesh. मतलब क्या है कि Indian subcontinent में 5 countries include होती हैं. कौन कौन सी? Nepal, Pakistan, India, Bhutan और Bangladesh. India occupies the bulk of land masses and share its boundaries with all the 4 countries. Two of which are Nepal, Bhutan, at a landlocked. अब इसमें क्या बोला गया है कि इंडिया ऑक्यूपाई बल्क ऑफ मास, मतलब इंडिया पे बल्क ऑफ मास लैंड मास है, मतलब बहुत ज़्यादा लैंड है. आज वो अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? 4 कंट्रीज के साथ, जिसमें से कि 2 है नेपाल और भूटान, जो कि लैंड लॉक्ड है. अब लैंड लॉक्ड का मतलब क्या होता है कि जो सराउंडेड होती है लैंड से चारों तरफ से. द कंट्री सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल इट्स साइड इज नोन एज अ लैंड लॉक्ड कंट्री. अब लैंड लॉक का मतलब जो नेपाल और भूटान जो कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है. मगर इंडिया क्या है? इंडिया लैंड से नहीं गिरा हुआ. इंडिया एक लैंड लॉक कंट्री नहीं है. वाइल इंडिया हैज अ बाउंड्री कॉन्टैक्ट विद ऑल द कंट्रीज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया अपनी बाउंड्री कॉन्टैक्ट करता है सारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ. और सब कॉन्टिनेंट क्या क्या थे? नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान एंड बांग्लादेश. तो इंडिया अपनी बाउंड्री इन सारी कंट्रीज के साथ भी शेयर करते हैं. दे डोंट हैव इधर ओशनिक और लैंड बाउंड्री बिटवीन देमसेल्व्स. ऑल कंट्रीज आर हाउएवर शेल्टर्ड बाय द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन द हिमालयाज. मतलब इन सभी कंट्रीज के बीच में, जो कि मैंने अभी आपको नेम बताए थे, इन सब के बीच में कोई भी ऐसा ओशन या ऐसा कुछ भी नहीं जो इनको डिवाइड कर रहा है. आज हम ये बोल सकते हैं कि इनके आसपास जो कि है हाईएस्ट माउंटेन्स है, मतलब ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं जैसे कि हिमालय, तो ये इनको अलग कर देते हैं. देन लोकेशन, तो हम लोकेशन वाले टॉपिक पे आएंगे अब. तो आप जस्ट फिगर देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ साइड बाय साइड. द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन ग्लोब कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टू वेज. मतलब इंडिया की जियोग्राफिकल जो लोकेशन है वो ग्लोब पे दो तरीके से डिस्क्राइब की गई है. किस किस में? फर्स्ट वे, इंडिया इज लोकेटेड इन नदर हेमिस्फेयर. इंडिया कहाँ लाया करता है? नदर हेमिस्फेयर में. अब नदर्न हेमिस्फेयर क्या होता है? ये इक्वेटर जा रहा है ना 0 डिग्री, तो इसके ऊपर जितना है वो कौन सा है? नदर्न हेमिस्फेयर. और इसके नीचे जितना है वो कितना है? सदर्न हेमिस्फेयर. ऊपर वाला नदर्न और नीचे वाला सदर्न. तो अब इंडिया को हम देखें तो ये इक्वेटर के ऊपर आ रहा है, मतलब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाया करता है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स. देखें यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन पास होती है, आपने कभी इंडिया का मैप लाए होगे तो उसमें से आप देखते होगे कि यहाँ से एक लाइन जारी होती है जो कि इंडिया को डिवाइड कर रही होती है 2 इक्वल पार्ट्स में. तो वो लाइन कौन सी होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अब सेकंड वे क्या है? द लेटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सचेंज ऑफ द मेनलैंड इज फॉलोइंग.
लेटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो मेन लैंड का है वो फॉलोइंग है। इसके लिए आपको आना पड़ेगा इंडिया के मैप पे, आई थिंक यस हियर। देखिए लेटिट्यूडनल एक्सटेंट, लेटिट्यूडनल मतलब क्या होता है, जो ऐसे जो ऐसी वाली लाइंस जो ग्लोब को डिवाइड करी होती हैं। तो ये है 8 degree 4 नॉर्थ टू 37 degree 6 नॉर्थ। तो जो ये वाली लाइन है इसका कितना है 8 degree 4 नॉर्थ टू 37 degree 6 नॉर्थ। इसको अगर आप अपने इंडिया के मैप पे अगर आप अच्छे से देख पाए तो ही आपको ये समझ में आ पाएगा। यस सो देखिए जो देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है 37 degree 6 नॉर्थ एंड 80। देखिए एक लाइन ये वाली जो ये यहाँ से लेटी हुई लाइन जा रही है ये और एक जो ये वाली लाइन हम यहाँ से एक और इमेजिन कर रहे हैं 0.6 की। यहाँ आप 36 degree नॉर्थ देख सकते हैं ना, तो अगर ये थोड़ा सा और ऊपर आए तो ये 37 degree 6 आ जाएगा। तो यही बताया गया है कि जो लैटिट्यूशनल जो लेटिट्यूडनल लाइंस होती हैं ये लेइंग डाउन लाइंस होती है। लेटी मतलब लेटिट्यूशनल का से आप ये भी इसमें से वर्ड ले सकते हैं दैट लेटी मतलब लेट डाउन वाली जो लाइंस होती हैं वो उसका एक्सटेंट कितना है 38 degree 4 नॉर्थ टू 36 degree 6 नॉर्थ। तो ये है इसका लेटिट्यूशनल एक्सटेंट। अब हम इसका लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंट पढ़ रहे हैं। तो ये है लॉन्गिट्यूशनल कौन सी लाइन होती है जो स्ट्रेट होती है। देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जो ऐसे स्ट्रेट लाइन्स होती हैं ना हमारे ग्लोब को जो डिवाइड करती हैं वो उन्हें बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूशनल लाइन। तो देखिए फर्स्ट लाइन देखिए ये पास हो रही है यहाँ से 68 degree 7 ईस्ट, इधर की तरफ से ईस्ट और इधर की तरफ से भी ईस्ट और इधर की तरफ से कितना 97 degree 25 ईस्ट। सो ये दोनों नॉर्थ नॉर्थ और ये दोनों ईस्ट ईस्ट। तो आपको लाइंस होप सो ये समझ में आ गई होगी। लॉन्गिट्यूशनल लाइंस होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं और लैटिट्यूशनल लाइंस होती हैं वो लेट डाउन होती हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से एक लाइन जा रही है लैटिट्यूशनल और एक ये की वाली जा रही है जो एक इंडिया को जहाँ एक्सटेंट का मतलब होता है जहाँ इंडिया का एक तो देखिए ये एंडिंग है यहाँ पे एक लाइन आ रही है और देखिए यहाँ पे एंडिंग है। तो हमने दोनों तरफ की पहले ले ली लैटिट्यूशनल लाइन फिर हमने ली लॉन्गिट्यूशनल लाइन तो वो भी हमने देख ली। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है साइज ऑफ इंडिया। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया कितनी है 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। अभी हम और भी पढ़ेंगे कि और कौन कौन सी है जो इंडिया से बड़ी है आगे। ये तो आपको पता ही होगा कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। देन इट हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। इसकी जो लैंड की जो बाउंड्री है पूरी जो बाउंड्री है इसकी ये कितनी है 15,200 किलोमीटर। इट्स मेन कोस्टलाइन इंक्लूड्स अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप दैट इज 75
7516.6 किलोमीटर। फिर ये आपको कुछ मेजरमेंट्स दी गए हैं जिनको आपको लर्न करना है। फिर द लैंडमास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो ये भी आपको एक मेजरमेंट मिली। और इसका जियोग्राफिकल एरिया कितना है, 2.4%। तो ये सारी मेजरमेंट आपको पता होनी चाहिए। देन हम आगे बढ़ते हैं। ऑन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, इंडिया इज नॉर्थ वेस्ट कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ। और नॉर्थ ईस्ट भी, मतलब ये दोनों जगह, और ये नॉर्थ ऊपर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में। इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स, मतलब यहाँ से यहाँ पे जो है इंडिया के बहुत सारे माउंटेन्स हैं। फ्रॉम 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब लेटीवी लाइन, 22 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर वाली साइड का जो लैटिट्यूड है वहाँ से। इट स्टार्ट्स टेपरिंग टुवर्ड्स द साउथ बाय एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, डिवाइडिंग इनटू इट इनटू टू सीज, द बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट एंड द अरेबियन सी इन वेस्ट। देखिए ये देखिए टू सीज को डिवाइड कर रहा है। देखिए इंडिया जा रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से टू सीज को डिवाइड कर रहा है। पहला कौन सा, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे अरेबियन सी। तो इंडिया भी खुद दो सीज को डिवाइड कर रहा है जिनके नाम हमने पढ़ लिए, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। चलिए अब आगे देखते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज दैट इट हैज अ टाइम लैग ऑफ अबाउट 2 hours बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। सो क्या कह रहे हैं कि देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश, ये बहुत मेन टॉपिक है। इसके आपको आगे क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है कि इसका मतलब क्या है कि सन जो है वो 2 hours पहले राइज हो जाता है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में गुजरात से। तो वहाँ पे 2 hours का डिफरेंट हो जाता है, मतलब दोनों जगह के बीच में 2 hours का डिफरेंस हो गया, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश देखिए यहाँ पे आएगा आपका इस साइड में, और गुजरात आपका यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ तक सन को आने में 2 hours का डिफरेंस लगेगा, तो 2 hours का टाइम लग हो गया पूरे इंडिया में, मतलब इंडिया इंडिया की इंडिया में ही मतलब 2 hours का डिफरेंस हो गया दो स्टेट्स में, तो ऐसा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सो, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इसको ठीक करने के लिए क्या किया गया है। सो, तब तक के लिए आप वेट कीजिए, अभी ये आएगा आपके पास आगे टॉपिक। The rotation of Earth is taken as once in 24 hours, so the difference of the time between any two longitudinal longitude is equals to 4 minutes. So, difference between the time of two longitude. Longitude मतलब straight lines. ये जो two straight lines हैं इनके बीच का difference कितना आता है? 4 minutes. There are 360 degree of longitude, so the time difference between any two consecutive lines of longitude will be 4 minutes. So, अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं कि rotation of earth कितनी है, 24 hours लेता है earth rotate होने में, longitudes कितने हैं, 360 degree sorry. सो एक फॉर्मूला आता है डेट 24 इंटू 60 मिनट्स होता है ना अपॉन में 360, सो जब ये कट होगा ये पूरा तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिनट्स। तो अब हम इसको समझते हैं कि अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात हैज़ अ लॉन्गिट्यूशनल डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री, इनके इसके और इसके बीच में 30 डिग्री का लॉन्गिट्यूशनल डिफरेंस है। दैट मेक्स द टाइम डिफरेंस
टू बी 30 × 4 अगर हम करें तो 120 मिनट्स, तो इन दोनों के बीच में 120 मिनट्स का टाइम डिफरेंस है। 120 मिनट्स मतलब 2 hours। सो द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82° 30' ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर यूपी। देखिए इस फिगर में आपको दिख भी रही है ये 82 डिग्री यहाँ से पास होगी, 82 नीचे, ये यहाँ लिखा हुआ है स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये पास हो रही है। इसकी आपको क्या दी गई है 82° 30' ईस्ट, ईस्ट की तरफ है ना ये, ईस्ट इधर है, ईस्ट। अरे कहाँ से पास होती है, मिर्ज़ापुर में यूपी से, यूपी में जो मिर्ज़ापुर है जगह वहाँ से पास होती है। द लेटिट्यूशनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वी मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बना दी गई, अगर देखिए यहाँ से यहाँ तक का टाइम होगा तो पूरे इंडिया में टाइम बिगड़ जाएगा, तो एक ही टाइम ले लिया गया है पूरे इंडिया का, ये 82° 30' ईस्ट से जो ये लाइन पास हो रही है, हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन ये ले लिया है पूरे इंडिया का। अब क्या है, इसी के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया का टाइम चलता है। आपको ये भी बता दो कि यहाँ जो कि हमारा 68° 7' ये क्या था, जस्ट अ मिनट, यस, ईस्ट से और 97° 25' ईस्ट तक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2933 किलोमीटर। और वहीं अगर हम ऐसे देखें तो इनका बीच में डिफरेंस कितना है, 3214 किलोमीटर। सो ये भी आपको याद रखना है अगर आपसे पूछ लिया जाए। देन अब जियोग्राफिकल एरिया हमारा टॉपिक आता है। सो इन टर्म्स ऑफ एरिया, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मैंने आपको बताया था। द कंट्री इज लार्जर देन इंडिया इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज आर, फर्स्ट नंबर पे कौन सी आती है, रशिया, रशिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। सेकंड नंबर पे कौन सी आती है, कनाडा। थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे यूनाइटेड स्टेट, फिफ्थ पे ब्राज़ील एंड सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया। सो इन टर्म्स ऑफ, और अगर हम पॉपुलेशन के साइड से देखें तो पॉपुलेशन में इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, द फर्स्ट बीइंग चाइना। मतलब अगर हम पॉपुलेशन में देखें तो पॉपुलेशन में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है और फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन है चाइना। सो ये भी आपको याद रखना है। देन आता है द इंडिया एंड द वर्ल्ड। सो द इंडिया लैंड मासेस हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। अगर हम पूरे वर्ल्ड के मैप पे दोबारा आए, सो ये एशिया है, तो इस एशिया में हम देखें तो इंडिया की जो लोकेशन है वो सेंट्रल में है, इधर ईस्ट एशिया हो गया, इधर वेस्ट एशिया हो गया, सो इन दोनों के मिड में आ रहा है ना ये इंडिया, तो इसकी सेंट्रल लोकेशन है इन दोनों के बीच की। देन इंडिया इज कनेक्टेड टू द कंट्रीज ऑफ वेस्ट यूरोप थ्रू द ट्रेन ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स। सो इंडिया जो है वो अपने वेस्ट की साइड से यूरोप से कैसे कनेक्टेड है, यूरोप ये रहा, कैसे कनेक्टेड है, थ्रू इंडियन ओशन रूट्स, मतलब इंडियन ओशन से रूट्स जा रहे हैं, उससे इंडिया यूरोप से कनेक्टेड है। देन वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अगर हम वेस्ट एशिया की देखें तो अफ्रीका और यूरोप फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट लाइन आर इजीली कनेक्टेड टू इंडिया थ्रू इट्स डेक्कन पेनिनसुला विच प्रोजेक्ट्स इनटू द इंडियन ओशन। सो होप से आपको क्लियर हो गया होगा। देन इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन। कोस्टलाइन क्या होता है, लैंड बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री विच टच वाटर बॉडीज,
कोस्ट लाइन, जैसे इंडिया इंडिया के मैप पे अगर हम दोबारा आए तो देखिए, यहाँ जो जो कंट्रीज यहाँ वाटर को टच कर रही है, अभी आगे क्वेश्चन भी आएगा कि आप बताइए इंडिया इंडिया की कोस्ट लाइन स्टेट्स कौन कौन सी हैं, सो आप बता पाएंगे। देन कोस्ट लाइन कंट्रीज है, तो इंडिया कोस्ट लाइन कंट्री है क्योंकि सी को या ओशन को टच कर रही है, या फिर किसी भी वाटर बॉडी को टच कर रही है। देन आगे, इंडियन ओशन रिसीव्ड इट्स नेम बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रिंगिस्ट पोजिशन ऑफ इंडिया। इंडियन ओशन ने भी अपना नेम इसलिए इसका नेम इंडियन ओशन इसलिए रखा गया क्योंकि इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन ऑफ इंडिया। देन कंपेयर टू इंडियाज कनेक्शन विद अदर एजेस एंड सिविलाइजेशन, इट्स कॉन्टैक्ट थ्रू ए लैंड रूट्स कुड बी ट्रैक्ड बैक फर्दर। देन अट्रैक्शंस ऑफ द फॉरनर्स वर मेड ईजियर बाय द माउंटेन्स एंड रिस्ट्रिक्टेड बाय द ओशंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर द सी रूट्स वर डिस्कवर्ड बाय वास्को डी गामा टू इंडिया इन 1498, इट बिकेम ईजियर फॉर द ट्रैवलर्स फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज टू कम टू इंडिया। सो ये भी आपको पता होना चाहिए, जितनी भी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। देन आगे देखते हैं, इन एशियन टाइम्स दीज रूट्स वर अ सोर्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड कॉमोडिटीज। देर आर मैनी आइडियाज लाइक द मोरल स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द आइडियोलॉजीज ऑफ उपनिषद एंड द रामायण, द इंडियन न्यूमेरिकल एंड द डेसिमल सिस्टम वुड रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो इस लाइन को आप एक बार दोबारा सुनिए, वीडियो को थोड़ा पहले दोबारा जाके, क्योंकि ये लाइन से भी आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है। मैं आपको बता भी देता हूँ क्या क्वेश्चन है वो, विच आइडियाज फ्रॉम द इंडिया कुड रीच द वर्ल्ड। तो फिर आपको यही आंसर देना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं, द स्पीशीज मुस्लिम एंड द अदर मर्चेंडीज वर ऑल्सो टेकन फ्रॉम द इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। सेम वे देयर आर थिंग्स विच इंडिया बोरोड और गॉट इन्फ्लुएंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लाइक ग्रीक कल्चर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड माइनरिटीज फ्रॉम वेस्ट एशिया। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। देन मैं आगे बढ़ता हूँ, इंडिया हैज 12 मेजर पोर्ट्स ऑन हर कोस्ट लाइन विच आर डिस्क्राइब्ड एज गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो ये नेम आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए, गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो इंडिया है वो 12 मेजर पोर्ट्स हैं उसकी कोस्ट लाइन पे, जिनको हम क्या बोलते हैं, गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब बात करते हैं हम इंडिया के नेबर्स की। सो इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट विच स्टैंड्स आउट एज अ डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल यूनिट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री, इंडिया हैज अ लॉन्ग लैंड बाउंड्री। इट शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन वेस्ट। देखिए, यहाँ से पाकिस्तान और यहाँ ऊपर अफगानिस्तान आएगा, यहाँ से वेस्ट में अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। देन तिब्बत नेपाल एंड भूटान इन नॉर्थ, यहाँ तिब्बत भूटान और नेपाल यहाँ आ जाएगा हमारा, ये नॉर्थ साइड हो गया ऊपर। देन म्यांमार एंड बांग्लादेश इन ईस्ट, म्यांमार और बांग्लादेश यहाँ पे आते देखे, यहाँ लिखा भी हुआ है बांग्लादेश एंड म्यांमार, तो यहाँ पे ईस्ट में अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। इंडिया सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ टू आइसलैंड कंट्रीज, नेमली आइसलैंड कंट्रीज क्या होती है, द कंट्रीज विच आर सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल इट्स साइड्स।
मतलब उसके चारों तरफ वो वाटर से सराउंडेड होती है। तो इंडिया जो कि है वो साउथ में टू कंट्रीज से जुड़ा, टू कंट्रीज को नेबरिंग देता है। कौन कौन सी है वो? फर्स्ट है श्रीलंका एंड सेकंड क्या है? मालदीव्स। मालदीव्स आपको दिखेगा नहीं, वो और नीचे होता है। सो साउथ में इंडिया इन दोनों अपनी आइसलैंड से ये दोनों कंट्रीज इंडिया के नेबर है। देन देयर आर टू नैरो चैनल्स विच आर फॉर्म्ड बाय सी विच सेपरेट्स इंडिया विद श्रीलंका, नोन एज पर्ल स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, दैट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम मालदीव्स आइसलैंड। सो ये दोनों के दोनों जो हैं ये टू नैरो चैनल्स हैं जो कि सी ने फॉर्म करे हुए हैं, और ये सेपरेट करता है, देखिए यहाँ पे श्रीलंका और इंडिया को, और एक यहाँ पे होना चाहिए जो कि इंडिया और मालदीव्स को सेपरेट करता है। उसको देखिए, जो इंडिया और श्रीलंका को करता है उसे बोलते हैं पल्क स्ट्रेट, इस वाले को बोलेंगे हम पल्क स्ट्रेट। और इस वाले को हम बोलेंगे गल्फ ऑफ मन्नार। सो ये दो नेम्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं। देन कुछ टिडबिट पॉइंट्स है, ये भी आप देख लीजिए। इंडिया इज वेल कनेक्टेड बाय ओशन रूट्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5.5 hours अहेड ऑफ GMT। देन जियोग्राफिकली इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गॉंडवाना लैंड विच रिप्रेजेंटेड द सदर्न पार्ट ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पेंजिया। देन लैंड रूट इन द नॉर्थ वेस्ट लिंक इंडिया टू द सिल्क रूट ड्यूरिंग एशियन टाइम्स। Since the opening of Suez Canal, distance between India and Europe has been reduced by 7,000 kilometers. So यहाँ पे हो जाता है हमारा चैप्टर फिनिश। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का समरा। सो इंडिया इज वन ऑफ द एशियन सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड एंड हैज मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। देन इंडिया लाइज इंटायरली इन अदर हेमिस्फीयर। इंडियाज मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन 8°4 north एंड 37°6 north latitudes and 68°7 east and 97°25 east longitudes. The Tropic of Cancer 23°30 north divides India into almost equal parts. India is located in the southern central part of continent of Asia, bordering the Indian Ocean, and its two arms extended in the forms of बंगाल एंड अरेबियन सी। द मेरी टाइम लोकेशन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया वॉज प्रोवाइडेड लिंक्स टू इट्स नेबरिंग रीजन्स थ्रू एयर एंड सी रूट्स। दीज रूट्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स। इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ये आपने शायद इंडिया का न्यू मैप देख लिया होगा जो अभी इस ईयर न्यू रिलीज हुआ है। ता उस मैप के अकॉर्डिंग इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। आप वो भी देख सकते हैं जाके, आपको इंटरनेट पे भी वो अवेलेबल इजीली हो जाएगा। देन श्रीलंका एंड मालदीव्स आर टू आइसलैंड कंट्रीज लोकेटेड इन द इंडियन ओशन विच आर इंडियाज नेबर्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय गल्फ ऑफ मन्नार एंड पल्क स्ट्रेट। अदर नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया आर पाकिस्तान,
Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Myanmar, and Bangladesh. Then हमारे चैप्टर की समरी फिनिश हो गई है. देन अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए दैट ईस्टर्न मोस्ट लैंगिट्यूड ऑफ इंडिया इज, तो देखिए जैसे क्वेश्चन आया स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, सो आपको आंसर लिखना है 82°30' ईस्ट. देन एक क्वेश्चन और आ सकता है कि विच कंट्री शेयर्स लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया इन वेस्ट, सो आप पाकिस्तान या अफगानिस्तान में से कोई भी एक नेम लिख सकते हैं. अगर आपसे मैचिंग की फॉर्म में पूछ लिया जाए दैट सदर मोस्ट माउंट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, सो आपको क्या लिखना है, इंदिरा पॉइंट. हाँ ये भी मैं आपको बता दूँ ये वाले पॉइंट्स. अगर आपसे पूछ लिया जाए वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया तो अरुणाचल प्रदेश. ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, सॉरी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है कच्छ और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश और लदर मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है कराकोरम रेंज. सो ये सब भी आपको पता होने चाहिए. देन वन टू क्वेश्चंस और बताऊंगा मैं आपको. इन विच हेमिस्फेयर इज इंडिया लोकेटेड, तो नदन. व्हाट इज द टोटल लैंड मास ऑफ इंडिया, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. सो इस तरीके के आपको कोई भी क्वेश्चन आए सो आप इजीली कर लेंगे. मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं. देन कमेंट बॉक्स में मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं उनको पिन कर दूंगा ताकि वो आपको सबसे ऊपर ही दिख जाए. देन आपको क्या करना है उन क्वेश्चंस के, आपको वन वर्ड क्वेश्चंस होंगे वो आपको वो वाले, तो उसमें वन वर्ड ही आंसर होगा. तो आपको क्या करना है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है. आने आगे वाले टाइम में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं वो दोनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके तो दिखाऊंगा ही, साथों साथ अगर आपका आंसर कमेंट बॉक्स में सही हुआ तो आपका नेम भी मैं उस वीडियो में शो करूँगा. सो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना आंसर टाइप कर दीजिए. नाउ हियर आर वीडियो एंड्स, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय.